हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खट्टी मीठी तीखी भरी स्वादिष्ट चाट रेसिपी, और वो है राज कचौरी। ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल कचौरी है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक कप मूंग दाल। इसे हमें 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देना है, और 3 घंटे के बाद सारा पानी ड्रेन करके हम इसे 3 बार अच्छे से धो के रख देंगे। तो सबसे पहले कचौरी का डो बनाने के लिए हमें चाहिए मैदे का आटा 1.5 कप। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। सूजी 2 चम्मच, इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। बेकिंग सोडा 1 चम्मच, घी 2 चम्मच, बेसन 1/2 कप, इसे भी मैंने अच्छे से भून लिया है। नमक स्वाद अनुसार और अजवाइन 1/2 चम्मच, और ये रहा 1 कप गुनगुना पानी। तो सबसे पहले एक प्लेट में हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे। मैदा, यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह बना के इसके बीच में हम डालेंगे सूजी, 2 चम्मच बेसन। सूजी और बेसन हम डालते हैं क्रिस्पीनेस के लिए, तो इसलिए बेसन मैंने सिर्फ 2 चम्मच इस्तेमाल किया है। बेकिंग सोडा, नमक स्वाद अनुसार, घी, आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाला है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हुए इस आटे को पूरी की तरह नरम गूंथ लेंगे। तो अभी आटा बनके तैयार है। अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढक के इसे 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है मूंग दाल जो मैंने भिगो के रखा था, 2 चम्मच सौंफ, और ये रहा 2 चम्मच बेसन, और ये रहे सारे मसाले। इसमें मैंने लिया है गुड़ 1 चम्मच, धनिया और जीरे का पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, अमचूर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार। तो सबसे पहले एक मिक्सर जार में हम डालेंगे मूंग दाल। इसमें हम डालेंगे बस थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए हमारा मूंग दाल पेस्ट बनके तैयार है। अब हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन। गैस फ्लेम को ऑन करके इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच तेल, पिसा हुआ मूंग दाल पेस्ट, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो मूंग दाल को दरदरा भी रख सकते हैं या फिर इसे फाइन पेस्ट भी बना सकते हैं, ये आपका चॉइस है। अब हम डालेंगे इसमें सारे मसाले और इसे अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पे।
इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन, 1/2 कप पानी। ये मसाला पूरी तरीके से ड्राई होने तक और पैन से सेपरेट होने तक इसे हमें अच्छे से चलाते रहना चाहिए। तो देखिए हमारा मसाला बनके तैयार है। अब हम गैस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इस आटे के डो को चिकना होने तक इसे 10 से 15 मिनट के लिए हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। तो आप इस आटे को जितने देर तक मसल लेंगे उतना ही चिकना बनेगा, और जब आप इसे तलने के लिए रख देंगे तो ये कचौरियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से फूलेंगे। अब हम इस आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। अब हम इस लोई को हाथ से गोल बना लेंगे और उंगलियों की मदद से इसे लाइटली प्रेस करके इसके बीच में हम फिलिंग की स्टफिंग करेंगे। अब हम इसके किनारे को उठा के इसे बंद कर लेंगे और इसे गोल बना के इसे हम बेलन से अच्छे से बेल लेंगे। जब हम इसे बेलते हैं तो हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना चाहिए, वरना सारा स्टफिंग बाहर निकल आएगा। तो आप इसे थोड़ा मोटा ही रखिए। तो इसी तरीके से हम बाकी लोइयों को भी अच्छे से बेल लेंगे। तो देखिए बनके तैयार है। अब हम इसे तल लेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म कर लिया है। इसे हमें हल्का गर्म ही रखना है। अब इसमें हम डालेंगे बेले हुए कचौरी के आटे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही तल लेना है। 2 मिनट के बाद इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे। अब आप देख सकते हैं कि कचौरियाँ अच्छे से फूल रही है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेना है। इसे हम दूसरी तरफ फिर से पलट देंगे। अब आप देख सकते हैं कि कचौरियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम एक कड़छी की मदद से इन कचौरियों को एक प्लेट में डाल लेंगे। प्लेट को मैंने टिश्यू पेपर से लाइन कर लिया है ताकि जब आप कचौरी को टिश्यू पेपर में रख देंगे तो सारा तेल टिश्यू पेपर में अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम बाकी बेले हुए कचौरियों के लोइयों को तल लेंगे। तो ये रहे गरम गरम फुले हुए खस्ता कचौरी चटनी और सॉस के साथ। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कचौरी चाट चाहिए तो हम एक कचौरी को लेके इसे इन सारे स्टफिंग से अच्छे से डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है अनारदाना, इमली की चटनी, टोमेटो सॉस, पुदीना चटनी, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर और धनिया के पत्ते और दही।
तो सबसे पहले हम कचौरी के बीच में थोड़ा सा छेद करके इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, दही, इमली की चटनी, टोमेटो की चटनी, पुदीने की चटनी। इसके ऊपर मैंने डाला है फिर से थोड़ा सा दही, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर। अब इसके ऊपर मैंने गार्निश किया है थोड़े अनार के दाने और धनिया के पत्ते के साथ। आप चाहे तो सेव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। तो देखिए हमारा एक खूबसूरत और स्वादिष्ट खट्टा मीठा तीखा राज कचौरी चाट बनके तैयार है। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे हर अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।